स्टॉक्स लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट सेशन में आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को थ्रू हम कवर करेंगे स्टॉक के ऊपर आई हुई कुछ लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में जो कल का मार्केट में अच्छी इफेक्ट डाल सकता है। तो पहला जो स्टॉक न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रहे वो आ रहा है मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन का शेयर के ऊपर। मैक्स हेल्थ केयर के शेयर का फिलहाल अभी मार्केट में बिलो 362 रुपया। तो कल मैक्स हेल्थ का शेयर में अच्छे खासी गिरावट देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि मैक्स हेल्थ केयर का 27.5% का स्टेक कल सेल होने वाला है। जी हाँ, जो केकेआर के पास फिलहाल मैक्स हेल्थ का 27.5% का स्टेक है, मतलब इतना बड़ी रकम का शेयर उनके पास है और ये शेयर कल केकेआर ने सेल करने जा रहे। तो ऑब्वियसली बात है कि एक बड़ी रकम, ये 27.5% एक बहुत बड़ी रकम है। इतने बड़ी रकम का शेयर अगर सेल होता है तो ऑब्वियसली मैक्स हेल्थ का शेयर में धाराशाही गिरावट का उम्मीद लगा सकते हो आप। तो कल आप इसे ज़रूर फोकस करके रखिएगा, अगर गिरावट आ जाता है तो आप इसे पुट लेके इसका मज़े ले सकते हो, तो इसे ज़रूर ट्रैक करते रहिएगा। दूसरा जो स्टॉक न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो आ रहा है इन्फोएस यानी नौकरी का शेयर के ऊपर। फिलहाल इन्फोएस शेयर का फिलहाल मार्केट में वैल्यू है 4,429 रुपया। तो देख सकते हो इन्फोएस ने कल 300 करोड़ का एक बड़ी रकम स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जो एक बड़ी रकम होते हैं 300 करोड़। तो इतनी बड़ी रकम जब भी किसी भी कंपनी ने इन्वेस्ट करने जाते हैं तो उसका शेयर्स में ऑब्वियसली यहाँ पर तेज़ी आना चाहिए। तो कल अगर सच में इन्फोएस ने 300 करोड़ का इतना बड़ी रकम इन्वेस्ट कर देता है स्टार्टअप में, तो आपको यहाँ पर इसका शेयर्स में तेज़ी फिलहाल देखने को मिल सकते हैं। तो आप इन्फोएस का शेयर्स को एक बार ज़रूर ट्रैक करते रहेगा। तीसरा जो स्टॉक न्यूज़ यहाँ पर हमें मिल रहा है वो आ रहा है शुभम पुलिस पाइन एलटीडी शेयर के ऊपर। शुभम पुलिस पाइन शेयर का अभी फिलहाल मार्केट में वैल्यू है 290 रुपया 50 पैसा और इस कंपनी ने यहाँ पर बोनस शेयर्स के लिए घोषणा की, मतलब आपको बोनस शेयर्स मिलेगा शुभम पुलिस पाइन शेयर की तरफ से। तो आप देख सकते हो द मल्टीबैगर स्टॉक रिकमेंड्स बोनस शेयर्स ऑफ 1:10 रेशियो, और इस शेयर्स की बात करें तो यही शेयर से, मतलब शुभम पुलिस पाइन लिमिटेड। तो आप देख सकते हो शुभम पुलिस पाइन लिमिटेड का जो ये बैठक हुआ था ये 13 अगस्त को तो हुआ था, और 13 अगस्त को ही इसके फैसला ली गया है कि शुभम पुलिस पाइन ने आपको बोनस शेयर्स देंगे और रेशियो होगा 1:10। आप देख सकते हो 1:10 रेशियो के साथ आपको यहाँ पर बोनस शेयर्स मिलने वाला है। फिलहाल इसका एक्सपायरी डेट और रिकॉर्ड डेट अभी तक नहीं आया, लेकिन आया जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर हम शुभम पुलिस पाइन शेयर की बात करें तो फिलहाल एक अच्छी शेयर से फिलहाल अभी 290 रुपया 50 पैसे पर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन इस शेयर्स को अगर आप देखते हैं पिछले 5 दिन का अगर रिटर्न को देखते हैं तो आप देख सकते हो लगभग 8% से ज़्यादा रिटर्न देखा है ये पिछले 5 दिन में। पिछले 1 महीने के रिटर्न को अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो लगभग 31% से भी ज़्यादा रिटर्न पिछले 1 महीने में दिखा है। आप 6 महीने को देखिए तो पिछले 6 महीने में कहाँ आए हैं, तो आप देख सकते हो कितना तेज़ी से ऊपर आए हैं, लगभग 78.71% का रिटर्न पिछले 6 महीने में दिखा है। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म देखें, मतलब 1 साल को देखें, तो 1 साल का अगर रिटर्न को दिखा जाए शुभम पुलिस पाइन की, तो आप देख सकते हो 137% से ज़्यादा रिटर्न पिछले 1 साल में दिखाई है। 5 साल का रिटर्न को देखें तो और यहाँ पर आप देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए भी ये शेयर्स अच्छी देखने को मिल रहा है। फिलहाल देख सकते हो पिछले 5 साल का रिटर्न को अगर दिखा जाए ये 1224% से ज़्यादा रिटर्न पिछले 5 साल में दिख गई है। तो आप कह सकते हो शुभम पुलिस पाइन जो शेयर से एक बहुत ही अच्छी शेयर्स यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। तो अगर आपको बोनस शेयर चाहिए तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो, यहाँ पर आप इस शेयर्स को बाय कर सकते हो। फिलहाल बहुत ही अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चौथा जो स्टॉक न्यूज़ हमारे पास निकल कर आ रहा है वो रहा है विप्रो का शेयर के ऊपर। IT कंपनी का एक अच्छी शेयर है विप्रो, और विप्रो की तरफ से यहाँ पर गुड न्यूज़ हमें निकल कर आ रहा है। फिलहाल विप्रो का शेयर अभी 437.50 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं, और यहाँ पर गुड न्यूज़ क्या है तो आप देख सकते हो विप्रो की तरफ से यहाँ पर बाइंग रिकमेंडेशन निकल कर रहा है और उसका टारगेट भी यहाँ पर निकल कर रहा है। मतलब विप्रो का आप कह रहा है कि बाय करो, यहाँ पर हमें गेन मिलेगा, बुलिश यहाँ पर होने वाला है विप्रो, ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से मिल रहा है। तो देखिए एक एक्सपर्ट्स का मैं यहाँ पर आपको टारगेट दिखा रहा हूँ, वो कह रहा है कि विप्रो का भी बाय करो, 1 महीने आपको यहाँ पर जो टारगेट रखना है वो 477 रुपये, मतलब 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर आपको विप्रो जो है 477 रुपये के अंदर अंदर देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल हम जानते हैं कि विप्रो बहुत पिटा हुआ स्टॉक है पिछले कई दिनों से, अगर बात 6-7 महीने की बात करें तो विप्रो बहुत नीचे गिर चुका था।
तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स को इस तरफ का कहना है कि उपरो को बाई करो, उपरो पे आपको बुलिश मिलेगा, बुल मिलेगा, तो हो सकता है कि उपरो के लिए गुड न्यूज़ है। वो यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स की तरफ से टारगेट निकल कर है, मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ जो टारगेट है वो 500 के आसपास है। तो एक अच्छी खबर है उपरो के लिए कि उपरो एक बार फिर से बाउंस बैक करता हुआ नज़र आ सकता है इसके बाद। आप हम बात करेंगे कुछ स्टॉक की, और जिन स्टॉक में यहाँ पर डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है और साथ में इसका बोनस शेयर्स भी मिलने वाला है, जिनमें आपको यहाँ पर मिलेगा IRCTC, InfoS, BPCL और इसके साथ और 17 शेयर्स मिल जाएंगे। चलिए इन स्टॉक की और न्यूज़ को हम अभी देख लेते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं एलेम्बिक फार्मा का डिविडेंड न्यूज़। तो आप देख सकते हो एलेम्बिक फार्मा ने यहाँ पर डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है 10 रुपया पर शेयर, और इसका जो एक्सपायरी डेट आने वाला है वो 17 अगस्त को रखा गया है, मतलब 17 अगस्त को इसका एक्सपायरी डेट है। तो अगर आपको एलेम्बिक फार्मा का डिविडेंड चाहिए 10 रुपया पर शेयर, तो आप 17 तारीख से पहले आपको इसका शेयर्स को बाई करना होगा, तभी आपको इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरा न्यूज़ भी यहाँ निकल कर आ रहा है, वो भी डिविडेंड न्यूज़ से, वो आ रहा है यहाँ पर LG बालकृष्णा, जिसका भी डिविडेंड है, जिनमें भी आप देख सकते हो LG बालकृष्णा भी 15 रुपया पर शेयर का डिविडेंड का अनाउंस किया है, और इसका भी एक्सपायरी डेट है 17 अगस्त, मतलब 17 अगस्त से पहले अगर आपको आपने LG बालकृष्णा का स्टॉक को बाई कर लेते हो तो आपको 15 रुपया पर शेयर का डिविडेंड यहाँ पर मिलने वाला है। तीसरा न्यूज़ भी यहाँ पर निकल कर आ रहा है, वो भी डिविडेंड रिलेटेड, वो है रिलैक्सो फुटवेयर। रिलैक्सो फुटवेयर की अगर बात करें तो इस कंपनी भी डिविडेंड देने वाला है 2 रुपया 50 पैसा पर शेयर। इसका भी जो डिविडेंड एक्सपायरी डेट है वो 17 अगस्त है, मतलब 17 अगस्त को इसका भी एक्सपायरी डेट है। अगर आपको रिलैक्सो फुटवेयर का डिविडेंड चाहिए 2 रुपया 50 पैसा पर शेयर, तो आपको 17 अगस्त से पहले आपको इसे बाई करना है। लेकिन हम जानते हैं कि एक्सपायरी डेट से पहले इसका स्टॉक में तेज़ी आती है, तो हो सकता है कि रिलैक्सो फुटवेयर का स्टॉक में भी तेज़ी आए। जो 3 स्टॉक का डिविडेंड का कल एक्सपायरी डेट है उनमें अच्छी खासी तेज़ी कल भी मिल सकता है। तीसरा न्यूज़ यहाँ पर हमें मिल रहा है बोनस शेयर्स, मतलब REC से कल बोनस शेयर्स मिलने वाला है। देखिए REC ने 1:3 रेशियो के साथ बोनस शेयर्स का ऐलान किया है, मतलब 3 शेयर्स अगर आपके पास है REC का तो 1 शेयर आपको मिल जाएगा जो बोनस है, और इसका भी जो एक्सपायरी डेट है वो 17 अगस्त को है, मतलब 17 अगस्त को भी इससे पहले 2-1 दिन पहले से स्टॉक में तेज़ी, बहुत तेज़ी आ सकते हैं। तो आप इसको भी फोकस में रख सकते हो REC, जिनका बोनस शेयर्स का एक्सपायरी डेट है 17 अगस्त को। अपोलो हॉस्पिटल्स को आप नज़र पर रखिएगा, अपोलो हॉस्पिटल्स को देखिए तो यहाँ पर भी आपको डिविडेंड मिलने वाला है, और ये डिविडेंड जो है आपको 11 रुपया 75 पैसा पर शेयर का डिविडेंड मिलेगा, और ये डिविडेंड का जो एक्सपायरी डेट है 18 अगस्त, मतलब 18 अगस्त को इसका एक्सपायरी डेट है। तो आप इससे पहले इसका स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी आ सकते हैं, तो आप अपोलो हॉस्पिटल्स को भी फोकस में रखिएगा ज़रूर। उसके बाद आ जाते हैं बर्जर पेंट्स को भी फोकस में रखिएगा, इनका भी यहाँ पर डिविडेंड मिलने वाला है। बर्जर पेंट्स से 3 रुपये 1 पैसा का डिविडेंड मिलेगा पर शेयर, और इसका भी एक्सपायरी डेट जो है वो 18 अगस्त को ही है, तो इसे भी आप ट्रैक करते रहेगा, यहाँ पर भी तेज़ी मिल सकती है डिविडेंड से पहले। ICICI सिक्योरिटीज़ का स्टॉक में नज़र रखिएगा, ICICI सिक्योरिटीज़ का स्टॉक में भी आपको यहाँ पर 3 रुपये 1 पैसा का डिविडेंड का ऐलान हुआ था, और इसका भी जो एक्सपायरी डेट है वो 18 अगस्त को है, मतलब ICICI सिक्योरिटीज़ का भी एक्सपायरी डेट होगा 18 अगस्त, तो इससे पहले इसका स्टॉक में भी तेज़ी आ सकती है, तो आप इसे भी ट्रैक करते रहिएगा। साथ में IRCTC का स्टॉक में भी आप देख सकते हो, IRCTC का स्टॉक भी आपको यहाँ पर इसका डिविडेंड अनाउंस हुआ था 1 रुपया 50 पैसा पर शेयर, इसका भी जो एक्सपायरी डेट है वो 18 अगस्त को है। उसके साथ साथ InfoS को भी आप नज़र रखिएगा, InfoS का भी यहाँ पर एक्सपायरी डेट आने वाला है, इसका डिविडेंड जो है 5 रुपया पर शेयर का डिविडेंड यहाँ पर आपको मिलने वाला है, और इसका भी जो एक्सपायरी डेट है वो 18 अगस्त को है, मतलब 18 अगस्त को बहुत सारे स्टॉक है जिनका एक्सपायरी डेट यहाँ पर मिलने वाला है। साथ में आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का भी नज़र रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर पे देखिए जो फाइनल डिविडेंड आपको मिलने वाला है 8 रुपया पर शेयर, इसका भी जो एक्सपायरी डेट है वो 18 अगस्त, मतलब 18 अगस्त को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का भी एक्सपायरी डेट होगा डिविडेंड का, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को भी फोकस में रख सकते हो आप। और सबसे इम्पोर्टेंट जो डिविडेंड न्यूज़ है वो BPCL की तरफ से आ रहा है। BPCL की अगर हम बात करें तो देख सकते हो BPCL 6 रुपये पर शेयर का जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था, ये जो डिविडेंड का एक्सपायरी डेट है वो 19 अगस्त को है,
तो अगर आपको BPSL का शेयर का डिविडेंड चाहिए तो 19 अगस्त से पहले आपको बाई करना चाहिए। तो इससे पहले इस स्टॉक में भी अच्छी खासी तेज़ी मिल सकती है, तो आप BPSL का स्टॉक को भी ज़रूर फोकस में रख सकते हैं।